कहानी है 1995 की। मदनपुर गांव में रेखा और उसका शौहर भूषण अपने बेटे साहिल का निकाह करने के लिए बेहद फिक्रमंद रहते थे। एक रोज उनके पास साहिल के लिए पास वाले गांव से मोहन लाल की बेटी का रिश्ता आया। वो बेहद खुश थे, लेकिन साहिल कुछ फिक्रमंद था। वो अपनी अम्मी के पास गया और बोला, अम्मी, अगर निशा या उसके घर वालों को सच्चाई का पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, हम वही बोलेंगे जो हमने सोचा है। ऐसे आती हुई लक्ष्मी को कहीं जाने नहीं देंगे। तभी साहिल की बुआ रेवती भी वहाँ आती है। बिल्कुल नहीं जाने देंगे भैया, पता है कितना जहेज मिल रहा है, टीवी, फ्रिज, नकद और ढेर सारा सोना। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जो हमने मीना के साथ किया, अगर किसी को पता चल गया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? अरे जब इस बात का कोई सबूत ही नहीं है तो किसी को क्या पता चलेगा। हाँ बेटा, तू उस करम जली मीना को छोड़ और निशा के ख्वाब देख। कल हम सब वहाँ जाकर तेरी सगाई तय करेंगे और निकाह की तारीख भी निकलवा लेंगे। रात में साहिल के घर वाले सो गए। तेज हवाएं चलने लगती है और बिजली चमकने लगती है। घर का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और एक साया घूंघट लिए हुए घर में दाखिल होता है। बहुत शौक है ना दूसरा निकाह करने का? होने दो निकाह, इस पूरे खानदान को तो मैं तबाह करके रख दूंगी। कुछ ही रोज में साहिल और निशा का निकाह हो जाता है। रात में रेखा, भूषण और रेवती निकाह में मिला पैसा गिन रहे हैं। कितना पैसा लाई है ये नई दुल्हन, वरना वो मीना और उसके फकीर खानदान वाले एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाए थे। अरे ऐसे मुबारक मौके पर उस बदबख्त का नाम मत लो। हाँ भाभी, हम तो बेशुमार अमीर हो गए और साहिल का दूसरा निकाह भी हो गया। अब वो अपनी जिंदगी का भरपूर लुप्त लेगा और हम करेंगे ऐशो आराम। वो तीनों हंसने लगते हैं और तभी वो रू उन तीनों को कमरे के शीशे में से देखती है। कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। तुम सबने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तीनों मीना की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये तो मीना की आवाज है, वो कैसे जिंदा हो सकती है? उसे तो हमने ही जला के मारा है। भूषण की नजर एक दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कुछ लिखा है। भूषण रेखा और रेवती को दीवार की तरफ देखने को कहता है। वो देखो, दीवार पर कुछ लिखा है। रेवती कांपते हुए पढ़ती है। तुम सबको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वो तीनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बेइंतहा डर जाते हैं। वो मुड़कर देखते हैं कि सारे पैसों में आग लग गई है। साहिल अपनी बेगम के साथ बिस्तर पर बैठा है और उससे उल्फत भरी बातें कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है? पहले आप ये बताइए जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या निशा? कि आपकी पहली बेगम को क्या बीमारी थी? साहिल कुछ झिझकता है और कहता है, मीना जहनी तौर से बीमार थी, खुद को नुकसान पहुँचाती रहती थी। एक रात जब हम सब सो रहे थे तो उसने खुद को आग लगा ली। निशा ये सब सुनकर बेहद मायूस हो जाती है। क्या मीना की बात लेकर बैठ गई? देखो निशा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, अब हमें अपनी आने वाली जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए ना, ना कि अपने माजी को देखना चाहिए। वे दोनों गले मिलते हैं। तभी वहाँ मीना की रूह घूंघट में खड़ी उन दोनों को देख रही होती है। उनके कमरे में अचानक खिड़की से हवा आने लगती है। साहिल खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास आता है और वहाँ मीना की रूह उसके सामने खिड़की से झांकती है। क्यों झूठ बोल रहे हैं शौहर साहब? साहिल और बुरी तरीके से डर जाता है और कमरे से भागने लगता है और अपने वालिद के कमरे में जाता है। साहिल भागता हुआ वालिद के कमरे में आता है तो देखता है कि वो तीनों बेहद सदमे में है और सोफे पर रखे पैसे और जेवरात में आग लग चुकी है और वो जल चुके हैं। हाँ, वो मीना वापस आ गई। क्या वो तुझे भी नजर आई? हाँ वो वापस आ गई, वो हम सबको मार देगी। निशा सोचती हुई अपने कमरे से बाहर आ रही होती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। निशा बेहद खौफजदा हो जाती है। कौन है, मुझे जाने दो। निशा पीछे मुड़ती है, मीना की रूह उसके पीछे खड़ी हुई है। उसका खौफनाक चेहरा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। साहिल और बाकी घर वाले निशा की चीख सुनते हैं। साहिल अपने कमरे की तरफ भाग रहा होता है।
कि रेवती उसे रोकती है। क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? हमें इसी कमरे में रहना चाहिए। उस चुड़ैल से बचने के लिए कोई तरकीब सोचनी होगी भैया। कोई तरकीब नहीं है, वो हमें मार डालेगी। नहीं मार पाएगी। मैंने अपने घर की हिफाजत के लिए ये राख तैयार की है। ये नहीं मालूम था कि इसका इस्तेमाल ऐसे करना पड़ेगा। मैं इसे कमरे की चारों तरफ डाल देती हूँ। वो जैसे ही यहाँ आएगी खुद ही राख बन जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी। अब वो डायन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। निशा डरते हुए मीना की रूह से पूछती है, कौन हो तुम? इस घर में क्यों आई हो? तुमसे पहले मैं इस घर की बहू थी। इस घर में दहेज की खातिर मुझ पर न जाने कितने जुल्म हुए। और आखिर में जब इन लोगों को लगा कि मुझसे इन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा, तो मुझे जहनी तौर पर कमजोर बताकर मुझे मार डाला। इतना बड़ा गुनाह किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ, और मुझे भी इन्होंने बड़े अंधेरे में रखा है। मैं इन लोगों से बदला लेकर रहूंगी। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम गांव वालों को सच्चाई बता सको कि मैं जहनी तौर पर कमजोर नहीं थी और ना ही मैंने खुद को जलाया था। इन लोगों ने मुझे दहेज की खातिर जलाकर मार डाला। निशा हामी भरती है। मीना निशा के जिस्म में दाखिल हो जाती है। निशा अपने सास ससुर के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखें सुर्ख है। साहिल उसे देखता है और कमरे के अंदर बुलाता है। निशा जल्दी से कमरे में आ जाओ, मैं ये राख तुम्हारे लिए हटा देता हूँ। साहिल राख की लकीर को निशा के लिए साफ कर देता है और निशा अंदर कमरे में दाखिल होती है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? निशा के जिस्म से मीना की रूह निकलती है और तीनों को बेहद गुस्से से देखती है। आप लोग इतने कमज़ोर हैं, ये मैं नहीं जानती थी। हमें माफ कर दो मीना, हमें माफ कर दो। तुम सबको सजा मिलेगी। और सब खौफ ज़दा हो जाते हैं और भागने लगते हैं। मीना अपनी रूहानी ताकत से उन चारों को मुजस्मा बना देती है। निशा, इस घर के बाहर चली जाओ और जो मैंने कहा है वो याद रखना। निशा घर के बाहर आ जाती है और पड़ोसियों को जमा करती है। मीना अपनी रूहानी ताकत से घर के चारों ओर आग लगा देती है और पूरा घर जलने लगता है। साहिल और उसके वालदेन और फूफी आग में जलने लगते हैं। वो ये देखकर घबराने लगते हैं। सारे गांव वाले घर के बाहर जमा हो जाते हैं। हमें माफ कर दो मीना, हमने तुम्हारे साथ गलत सलूक किया। हमने तुम्हें जला कर मार डाला। हाँ, और तुम पर झूठे इल्जाम भी लगाए। गांव वाले ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। निशा के चेहरे पर सुकून दिखता है। पूरा घर आग की लपटों में जलने लगता है और कुछ ही समय में राख हो जाता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरसौल नाम का एक कस्बा था। वहां के जमींदार ठाकुर हर्षवर्धन के पास बहुत बड़ी जागीदारी थी। खेत और बाग बगीचे इतने थे कि रखवाली करना मुश्किल हो जाता। एक बार, मुंशी जी, उस बावड़ी के पास वाले बगीचे में बिल्कुल भी फल फूल नहीं होते हैं। जब से भीखू का इंतकाल हुआ है वो बगीचा वीरान हो ही गया है। पेड़ों का सूखना ठीक नहीं है। वहाँ किसी को रखवाली के लिए बहाल कर दीजिए जो सिर्फ उस बगीचे की देखभाल करे। हुजूर, वो बगीचा तो पिछले 2 सालों से वीरान पड़ा है। वहाँ की देखभाल करने के लिए किसी को तो वहाँ बहाल करना ही होगा। हाँ, और उसके रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा दो और खाने पीने के लिए अनाज भरवा दो। तनख्वाह अलग से दे देंगे। जी हुजूर, आज ही किसी का बंदोबस्त कर देता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मनोरथ गांव में जाके सबसे पूछताछ करता है। कोई है जो उस बावड़ी वाले बागीचे की देखभाल कर सके? मैं तो खुद ही चला जाता, पर बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सुना है वहाँ किसी डायन या भूत प्रेत का बसेरा है। क्या बकवास करते हो महीपाल, हमने तो आज तक नहीं सुना और ना ही देखा है। तुम जैसे लोग ही इस तरह की अफवाहें उड़ाते हो, अच्छी खासी जगह को खौफनाक बना देते हो।
मुंशी जी, मैंने तो जो सुना है वही कह दिया। सामने से चंदू आता हुआ दिखाई पड़ा। चंदू, तुम तो अकेले आदमी हो, तुम्हें क्यों नहीं बावड़ी वाले बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी ले लेते? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ही कर दूंगा, पर तनख्वाह वाजिब मिलनी चाहिए। हाँ भाई, ठाकुर साहब ने कहा है एक झोपड़ी और खाने पीने का पूरा इंतजाम करवा देंगे। मेरा क्या है, कहीं भी पड़ा रहूंगा, वैसे भी आजकल मैं बेरोजगार चल रहा हूँ, इसी बहाने पेड़ पौधों की सेवा का सबब भी मिल जाएगा। चलो फिर तय रहा, आज ही से झोपड़ी का काम शुरू करवा देता हूँ, तुम भी जरा देख लेना कहाँ क्या बनवाना है। दोनों बावड़ी वाले बगीचे की तरफ जाते हैं। मुंशी जी, यही बगीचे के पास ही झोपड़ी डलवा देते हैं, यहाँ हैंडपंप भी है, ठीक है, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल भी है। दूसरे दिन शाम तक झोपड़ी तैयार हो गई। चंदू अपना बोरिया बिस्तर लेकर झोपड़ी में पहुंच गया। मुंशी जी ने अनाज भी रखवा दिया। चंदू, आज तुम भी थके हुए हो, चलो हमारे घर पर ही खाना खा लो, कल से पका लेना। ठीक है मुंशी जी, आज कुछ पकाने की इच्छा भी नहीं थी। खाना पीना खाते खाते रात हो गई थी। चंदू के पास सिर्फ एक लाठी और लालटेन थी। वापस झोपड़ी में आया तो सीधे बिस्तर में चला गया। दिन भर का थका था, ऊपर से मुंशी जी के यहाँ भर पेट पकवान खाके तुरंत ही नींद आ गई। आधी रात पीती थी तभी उसके दरवाजे की कुंडी खटकी, खोला तो कोई नहीं था, कोई कुत्ता बिल्ली रहा होगा। अचानक उसको झोपड़ी के पीछे किसी के चूड़ियों की खनखनाहट और पायल की आवाज सुनाई थी। वे दबे पांव झोपड़ी के पीछे पहुंच गया। इस वीराने में कौन होगा? वहाँ का खौफनाक मंजर देखते ही उसकी घिघी बंद गई। वहाँ एक खौफनाक डायन बैठी थी, हड्डियाँ चबा रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथ खून से सने थे। डायन को चंदू के आने की आहट मिल गई। आ गया तू, कब से इंतजार था मुझे, किसी हट्टे कट्टे इंसान का बड़े दिन के बाद पेट भर के खाऊंगी। कौन हो तुम? मैं चंपा हूँ, इस वीराने में बड़ी मुश्किल से ठिकाना मिला था, उस पर भी तूने झोपड़ी बना ली, अब तेरी खैर नहीं। मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मैं तो यहाँ सिर्फ बागीचे की रखवाली करने आया था। मेरी भी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम्हारे गांव के लोगों ने मुझे मार मार कर यही जमीन के नीचे दफन कर दिया था। मैंने तो उन्हें कब का उन्हें ठिकाने पर पहुंचा दिया। जब तुम्हारा बदला पूरा हो गया तब तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि सारे मर्द एक से ही होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। चुप करो। ये कहते हुए वो चंदू पर झपट पड़ी। चंदू रात के अंधेरे में अपनी जान बचाकर भागा, वो डायन भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? चंदू भागते भागते अपने घर पहुंच गया था। उसने अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और तख्त पर ही गिरकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाजा खोल दो। अरे वो तो यहाँ भी पहुँच गयी, अब क्या करूँ मैं? दादी जान बताती थी कि डायनों की पूरी ताकत उनके बालों में ही होती है, अब मुझे मरना तो है ही, ये भी एक बार आजमा के देख लेता हूँ। आ जाओ, मुझे खाना ही चाहती हो ना, तो आ जाओ खाओ मुझे। वाह, तू तो बड़ी जल्दी काबू में आ गया। तभी चंदू ने लपक कर उसके बाल को पकड़ कर काट दिए। आह, ये क्या कर दिया तुमने, मेरी सारी ताकत कहाँ चली गई? मुझे मेरे बाल वापस कर दो। अब तो ये बाल कुटिया वाले तांत्रिक को दे ही दूंगा, वही तुम्हें अपने काबू में करके ठीक करेंगे। आओ आगे आओ, लो पहले मेरे हाथ चबाओ, आओ आगे बढ़ो, लो पहले मेरे हाथ चबाओ। ये कहते हुए उसने उसे लातों और मुक्कों से मारना शुरू किया। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी, और मेरे बाल किसी तांत्रिक को मत देना। जाती है यहाँ से कि अभी और मार खाएगी, पता बोल। डायन भागती हुई चली गई। दूसरे दिन जब चंदू ने गांव वालों और ठाकुर हर्षवर्धन को सारी बातें बताई और उन्हें डायन के बाल दिखाए तो चंदू की बहादुरी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। ठाकुर साहब ने चंदू को बहुत सारा इनाम भी दिया।
ठाकुर साहब की बावड़ी वाला बगीचा फिर से फल फूलों से लद गया।